डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है यह सीखा, और आज रोज के फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट जो विलियम सी डगलस ने लिखा है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1950 में वे भारत भ्रमण के लिए आए। उन्हें अमेरिका की सरकार ने भारत का जायज़ा लेने के लिए भेजा था। भारत की क्या स्थिति थी इसे याद दिलाने के लिए, अभी भारत में हुए लॉकडाउन और उसमें पैदल चलकर श्रमिक एक शहर से दूसरे शहर या अपने गांव गए, उस दृश्य को अगर हम याद करते हैं तो उस समय जो रिफ्यूजीज की स्थिति थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान से लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए थे। वे बड़ी दयनीय स्थिति में थे, और जो स्थिति उन रिफ्यूजीज की थी उसका ही वर्णन यहाँ विलियम सी डगलस ने किया है। वे जब भारत आए तो उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर एक 9 वर्षीय बालिका मिली जो टोकरियाँ बेच रही थी। उस बच्ची के व्यवहार से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए, और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा ए गर्ल विद ए बास्केट के नाम से, जो इस तरह से है। वो लिखते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज, आई वाज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 feet रिज्ड अपोजिट ए 120 mile stretch of snow capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop I swung open the door of my compartment and walked the platform. लिखते हैं कि मैंने हिमालय को जाने के लिए दिल्ली छोड़ दी, अर्थात मैं दिल्ली से निकल पड़ा था। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से और उसके बाद रानीखेत को कार से जाना था। रानीखेत में वो जहाँ जा रहे थे, लिखते हैं कि वो एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी थी, जो बताते हैं लोकेटेड ऑन ए 6,000 रिज्ड अपोजिट ए 120 mile स्टैच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो 6,000 feet की खड़ी ऊंचाई पर 120 मील फैले बर्फ से ढके हिमालय पर स्थित थी। बता रहे ट्रेन के बारे में, जिस ट्रेन से वो जा रहे थे बरेली तक के लिए, द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी चलने वाली थी, एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वेज स्टेशन, और यह रास्ते के प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, लिखते हैं कि मैं प्रत्येक पड़ाव पर, प्रत्येक स्टेशन पर अपने डिब्बे के दरवाजे को खींचकर खोलता था, एंड वाकता प्लेटफॉर्म, और मैं प्लेटफॉर्म पर घूमा करता था, टहला करता था। प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या थी ये बताते हैं आगे अगले पैरा में, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिक्स मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, वेगर्स, हॉकर्स, almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. बताते हैं कि प्लेटफॉर्म
लोगों से खचाखच भरे हुए थे। उनमें कौन कौन थे बताते हैं, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले। बताते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फूट, लगभग हर कोई नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। बताते ही कि मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, तब एक आदमी अंग्रेजी बोलने वाला मिलता था। क्या करते थे तब, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, सांसारिक क्रियाकलापों के बारे में और उस दिन के समाचार के मूल बिंदुओं के बारे में बात करते थे। उद्देश्य क्या था बताते हैं कि इन दिस वे आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस तरह से मैं राष्ट्रीय भावनाओं की, भारत की राष्ट्रीय भावनाओं की फर्क करना चाहता था, जानना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जो मुझे सूचना जो जानकारी दी गई थी उसके सापेक्ष। बताते हैं कि जो दिल्ली से बरेली के लिए जो रेल पथ था, रास्ता था, वो किस तरह का था। लिखते हैं, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज, दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, 1000 feet अबव सी लेवल, वट ट्रॉपिकल, द गंगा वाज ब्रॉन्ज सिल्ट स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, इट्स ओवर फ्लो इंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्रम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कॉबराज, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, वर डोटेड हियर एंड देयर बाय द सीक्रेट बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद वेवीज क्लंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउटर, देयर पीक रूप्स वर थेस्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइप टू बॉम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर्स, दैट डे द पंपकिन वाइन दैट ग्रो ओवर देम वन इन ब्लूम ट्रेलिंग स्किस ऑफ एलो ओवर ड्रॉबाल्स। लिखते हैं कि वह रास्ता जिससे हम जा रहे थे भारत का सबसे अधिक कृषि संपन्न क्षेत्र था, यह गंगा नदी का ऊपरी क्षेत्र था जो समुद्र तट से हजारों फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन यह उष्णकटिबंध था। बताते हैं कि गंगा में बाढ़ आई हुई थी जिसमें बालू का, रेत का पानी था, मटीला पानी था, और लिखते हैं कि इट ओवरफ्लोड इंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसकी बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ धान डूब गया था। उत्तर में विशाल जंगल था जिसमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास थी, कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट थे, और उन पेड़ों में लिखते हैं कि द होम ऑफ टाइगर्स, जिनमें चीते निवास करते थे, एलिफेंट्स हाथी निवास करते थे, पाइथन्स अजगर रहते थे, और कोबरा रहते नाग रहा करते थे। लिखते हैं, एवरी वेयर एलिस देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, क्षितिज तक समतल ही समतल मैदान था, लेकिन कहीं कहीं पर पवित्र बरगद या पीपल के पेड़ थे और कुछ पाकर के पेड़ों की पंक्तियां थीं, जिनका आकार इल्म के पेड़ के जैसे इठे और मोटे तने का होता है, अर्थात इल्म के पेड़ के जैसे
मोटे और इठे तने वाले पीपल, बरगद या पाकर के पेड़ थे। लिखते हैं कि गर्म और आर्द्र हवा दक्षिण पश्चिम से चल रही थी। बंदर, जिनमें कुछ बंदरियां थीं, अपने बच्चों को चिपकाए हुए पेड़ों की निचली टहनियों पर झूल रही थीं और वे स्टेशन पर भोजन की तलाश में थीं। लिखते हैं जिन गांव से होकर के उनका जो रेल पथ था, रेलगाड़ी जा रही थी, उन गांव की स्थिति क्या थी। लिखते हैं आगे, द विलेजेस बी पास्ट एट बाल्स मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर एंड काउडर। जिन गांव से होकर हम गुजरे, उन गांव के मकानों की दीवारें मिट्टी, पानी और गाय के गोबर के मिश्रण से बनी हुई, अर्थात उन गांवों के मकानों की दीवारें कच्ची थीं, कच्ची मिट्टी की बनी हुई थीं। देयर पीक रूफ्स वर थेस्ड, उन पर जो छतें थीं वो छप्पर की थीं, छप्पर की बनाई हुई थी। छप्पर कैसे बनाए गए थे, लिखते हैं, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्टैच अक्रॉस द रेफ्टर्स, बल्लियों पर आड़ी तिरछी घास लगाकर बांसों पर फूस घास बांधी गई थी, अर्थात छप्पर छाए गए थे। उन छप्परों पर भी बता रहे हैं क्या था, दैट द पम्पकिन वाइन दैट ग्रो ओवर देम वर इन ब्लूम, उन पर बड़ी पौड़ी बेलें फूल रही थीं, लौकी और कद्दू की। क्या बता रहे हैं कि लौकी और कद्दू की बेलें उन पर बढ़कर फूल कर फैल कर फूल रही थीं। ट्रेलिंग स्टेज ऑफ एलो ओवर ड्रॉवाल, और उन भद्दी दीवारों पर रंगोलियां बनाई गई थीं, चित्रकारी की गई थी। आज इतना ही, और अगले वीडियो में आगे बताया जाएगा। थैंक यू।